हरे कृष्णा राधे राधे माधव कृष्ण आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ठाकुर जी के लिए चोली और पटका। बहुत ही सुंदर इस ड्रेस का चोली और पटका अब हमको आपको बनाना सिखाएंगे। ये देखिए जैसे कि इसके साथ में ड्रेस दिखाई दे रही है। इस ड्रेस का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहाँ से देखकर आप अपने ठाकुर जी के लिए इस तरीके की प्यारी सी ड्रेस बना सकते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको चोली और पटका बनाना सिखाएंगे इस ड्रेस की। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ पटके का मेजरमेंट। मेजरमेंट किस प्रकार से, ये देखिए हमें टू कॉम्बिनेशन जैसे हमारे हैं मैचिंग ड्रेस के साथ में, तो इसी तरीके से हमें इसकी हमें पाइपिंग डालनी है और ये हमने पटका बनाना है। तो पटके का जैसे ये देखिए हम इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग किस तरीके से होती है ये देखिए, जैसे भी हमारे ठाकुर जी छोटे हैं तो छोटे और बड़े हैं तो उनके हिसाब से, तो हमें पटके की लेंथ लेनी होती है जो हमारे ठाकुर जी को इस तरीके से, जैसे इस तरीके से हमें पटका रखना होता है तो इतनी हमें ठाकुर जी की लेंथ लेनी होती है। लेंथ छोटी या बड़ी हो सकती है, तो ये पटका है तो इसके लिए हिसाब से हमने जो मेजरमेंट लिया है, तो हमारा यहाँ पर है 14, ये देखिए 15 इंचीज इस साइड से है। और ये देखिए मैं इस तरीके से इतना एक कपड़ा लिया, इस हिसाब से कट करने के बाद यहाँ से हमने लिया इसको 3 इंच और यहाँ से हमने जो लिया है ये हमारा 1.5 इंच, ये हमारा 1.5 इंच और इधर से 3 इंच। तो इस तरीके से हमने इसकी तिरछी कटिंग कर ली है। तो तिरछी कटिंग करने के बाद इसको स्टिच करेंगे। स्टिच किस तरीके से करने हैं, जैसे कि हमारी ड्रेस है, ड्रेस का ही हमें सेम पैटर्न इसमें डालना है। तो जैसे कि हमें ड्रेस के अकॉर्डिंग ही अपनी यहाँ पे ठाकुर जी के लिए पटका बनाना है, तो ये पटके के लिए हमने ये देखिए इस तरह की पैटर्न्स बनाई है। ये पैटर्न्स हमने ड्रेस में बनानी बताई हुई है, आप वहाँ से जाकर सीख सकते हैं। बहुत ही आसान और इजीली ये पैटर्न्स बनती है। और हमने टू कॉम्बिनेशन हमने जैसे बताया ऐसे पटके में डालना है, तो हमने लीफ भी इसी तरीके से बनाई है। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल, बहुत आसान, इस तरीके से हम इसके सजा कर इसको डेकोरेट करके पटका भी तैयार करेंगे। दोनों साइड हम टू टू पैटर्न्स लगाएंगे। देखिए हमें यहाँ पे पैटर्न्स दोनों साइड इसके तरीके से स्टिच कर दी है। तो अब हम इसे फ्रिल लगानी है, जैसे कि हमें ड्रेस के अंदर फ्रिल है तो अब यहाँ पर हम फ्रिल लगाएंगे। आप सिंगल पीस का भी बना सकते हैं और इसको नीचे अस्तर भी लगा सकते हैं, लाइनिंग लगा सकते हैं। तो जैसे गर्मियों की ड्रेस है तो मैं इसको सिंपल ही बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर लीफ इसको स्टिच कर लिया। अब हमें इसको इसके ऊपर फ्रिल लगानी है। ये देखिए फ्रिल हमारी कुछ इस तरीके से, फ्रिल बहुत ही आसान और इजीली इसी तरीके से हमने ग्रीन कलर की फ्रिल बनाई है। तो बहुत छोटी छोटी प्लेट्स डालिए। तो ये देखिए इस तरीके से बनाने के बाद इसको यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ये स्टिच कर दिए, तो इसके ऊपर हमें यहाँ पर इस तरीके से ये फ्रिल लगानी है। तो दोनों साइड इसी तरीके से, ये देखिए दोनों साइड इसी तरीके से मैं ये फ्रिल स्टिच करूंगी। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे फ्रिल यहाँ पे स्टिच कर दी, इसके ऊपर ब्लू कलर की भी एक पट्टी स्टिच कर दी, जैसे कि यहाँ पे सिलाई नजर ना आए। देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने यहाँ पर साइड का बना दिया। अब हमें यहाँ पे किनारे पे ब्लू कलर की पट्टी लगानी है, जैसे कि छोटी सी इस तरीके से। ये देखिए हमने छोटी सी इस तरीके से पट्टी काटी है, पाइपिंग जिस तरीके से, ये हमने छोटी सी पाइपिंग की, हमने जैसे इसका माप ये 1 इंच में हल्का सा कम है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कट कर लिया है। तो इसको यहाँ पे पूरा स्टिच करेंगे। स्टिच करने का ये देखिए उल्टी साइड से इस तरीके से रखेंगे यहाँ पर स्टिच करने के लिए, यहाँ पर सिलाई लगाए और फिर इसको पलट कर इस तरीके से पलट कर और यहाँ पर फोल्ड करते हुए स्टिच कर देंगे। तो दोनों साइड में इसी तरीके से इसको स्टिच करूंगी। तो देखिए हमने यहाँ पे दोनों साइड पाइपिंग लगा दी, जैसे मैंने आपको बताया था इस तरीके से हमने स्टिच कर दिया। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, ये देखिए ठाकुर जी का पटका हमने आपको स्टिच करना बताया। अब इसको हम डेकोरेट करेंगे, जैसे कि हमने इसको ड्रेस में डेकोरेट किया सेम हमें इसी तरीके से पटका भी डेकोरेट करना है। तो ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया हम इसको डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट करने से पहले जैसे कि हमें इसमें चोली बनानी है, चोली हम पहले चोली बनाएंगे फिर इसको डेकोरेट करेंगे। तो देखिए हमने दो चोली बनाने के लिए इस तरीके की दो पट्टी ली है। तो हमने इस तरीके की दो पट्टी लेने के बाद ये देखिए इसकी जो हमने लेंथ ली है, ये लेंथ हमने 7.5 ली है तो इस साइड से, और ये हमारी जो पट्टी है इस साइड से 1.5 इंच है। तो हमने दो पट्टी इस तरीके से कट कर ली है। अब इसको स्टिच करेंगे, जैसे कि हमने सेम कॉम्बिनेशन डालना है। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन डालने के लिए सिंपल चोली बनाते हैं ताकि ज्वेलरी इसमें इजीली आसानी से पहना पाए। तो ठाकुर जी बहुत सुंदर लगती हैं इस तरीके की चोली बनाकर और ज्वेलरी के साथ। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको रखेंगे ब्लू कलर को और यहाँ पर स्टिच कर देंगे। दोनों साइड में इसी तरीके से स्टिच करूंगे, दोनों पट्टी को इसी तरीके से स्टिच करके दिखाते हैं। तो देखिए हमने दोनों साइड इसमें पाइपिंग लगा ली है। तो इस तरीके से हमारी दोनों पट्टी रेडी हो गई है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन लग रहा है इस तरीके से पाइपिंग लगाने के बाद। अब हम इन दोनों को इस तरीके से स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से मैं बहुत ही थोड़ी लेंथी चोली बनाती हूँ ताकि यहाँ पर इजीली इस तरीके से इजीली यहाँ पर
जैसे हम ड्रेस पहनाते तो ये अंदर इधर भी अंदर आ जाए और पीछे भी अंदर चले जाए। छोटी चोली बनाते तो यहाँ पर हमें किनारे पर पट्टी यहाँ पर ही लगानी होती है पाइपिंग, और छोटी चोली के लिए इस तरीके से हम पहनाते हैं फिर। तो मैं थोड़ी लेंथी बनाती हूँ ताकि अंदर भी चले जाए आगे से भी और पीछे से भी। तो ये हमारे यहाँ पे दोनों पट्टी रेडी हो गई है। अब इसमें हमें क्या करना है, तो एक के ऊपर एक इस तरीके से, तो एक के ऊपर एक जैसे मैंने आपको बताया इस तरीके से रखेंगे। और यहाँ पर ये देखिए ब्लू कलर या ग्रीन कलर कोई भी ले सकती हैं। तो इस तरीके से पट्टी लगाकर दोनों साइड से फोल्ड करते हुए, ये देखिए फोल्ड करते हुए मैं यहाँ पर इन दोनों को इतनी डिस्टेंस पर, ये देखिए इतनी डिस्टेंस पर ताकि कमर के अंदर ये भी आ जाए और यहाँ से कमर पे बंद भी जाए और पीछे से भी इसी तरीके से अंदर आ जाए। तो इसी तरीके से मैं पट्टी यहाँ पर स्टिच कर दूंगी। तो देखिए हमने यहाँ पे चोली के यहाँ डोरी स्टिच कर दिया है। तो स्टिच ये देखिए नीचे अंदर चोली में आ जाएगा, घेरे में आ जाएगा चोली के यहाँ पर इस तरीके से, और ये पीछे से भी एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर भी ज्वाइंट कर देती हूँ इस तरीके से ताकि हमें अलग अलग पीस ना करने पड़े। तो इस तरीके से यहाँ पे गले में पहनाने के बाद ये हमारी डोरी कुछ इस तरीके से बंध जाती है। ये आप चाहो तो थोड़ा छोटा कर सकते हैं और चाहो तो इस तरीके से चौड़ा कर सकते हैं, आप अपने ठाकुर जी के अकॉर्डिंग इस तरीके से माप ले सकते हैं। तो ये हमारे बांधने के लिए यहाँ पर हो गई है। तो यहाँ पर हमारी चोली स्टिच करके रेडी हो गई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था मुझे यहाँ पे चोली रेडी हो गई। ये हमें पटका डेकोरेट करना है जैसे कि ड्रेस के अकॉर्डिंग इसी तरीके से है। तो ये हमारे पास स्टोन है, मैंने ड्रेस में ही पूरे अच्छे से बताया हुआ है, आप हम वहाँ पर ड्रेस में जाकर देख सकती हैं कि हमने स्टोन किस तरीके से लगाए और हमने डेकोरेट किस तरीके से किया। मैं फिर भी आपको एक बार पटके में फिर दिखाना चाहती हूँ। इस तरीके के स्टोन हमने यहाँ पर पटके में लगानी है, यहाँ पर जहाँ पर हमारी ये देखिए जहाँ पर हमारी लीफ बनी है, तो यहाँ पर हमें स्टोन लगानी है। और ये हमारी पोलन है, ये देखिए पोलन है इस तरीके की हमारी पोलन है। तो यहाँ पर हम पोलन रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर ये फ्लावर्स है हमारे पास, ये फ्लावर्स है। तो ये फ्लावर यहाँ पर एक एक फ्लावर इस तरीके से हम चिपका देंगे। ग्लूकोन से हमें चिपकाना है तो ये अच्छे से चिपक जाएगी, आप फैब्रिक बोन से भी चिपका सकते हैं। तो ये डेकोरेट करने का तरीका, जैसे कि हमने ये देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से ड्रेस डेकोरेट की हुई है, और ये हमने पटका आपको डेकोरेट करना बता दिया। हम आपको इजी और अच्छा हो जाएगा, आप हमारी जाकर वीडियो में ड्रेस देख सकते हैं कि हमने उसको किस तरीके से तैयार किया। लीफ बनाना, उनको ड्रेस डेकोरेट करना, इसमें स्टोन लगाना। इस ड्रेस को बनाने का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर देखकर इस ड्रेस को बनाना सीख सकते हैं। तो मैंने आपको पटका भी बता दिया किस तरीके से डेकोरेट करना, आप अपने नेसेसरी जो भी आप सामान लेकर आए हैं उसके अकॉर्डिंग सजा सकती हैं। तो सजाने के लिए आप अपने हिसाब से सजा सकते हैं। और मैंने आपको ये ड्रेस और पटका, और ये देखिए चोली, चोली आप अपने ठाकुर जी के हिसाब से ड्रेस पटका चोली बना सकते हैं। मैंने ये आपको आसान तरीके से पैटर्न बता दिया, आप किस तरीके से इस ड्रेस को बनाएंगे। मैं आशा करती हूँ मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।